रोड़ी को सखर समेत अतराफ के इलाकों से मिलाने वाली ये है मरकजी कौमी शाहरा, जिसको यहाँ के मकीन जीटी रोड कहते हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स है, जिसका जिक्र तारीख दान मुहक्किक सईद इमदाद हुसैन शाह साहब कुछ इस तरह करते हैं। वर्ल्ड वार वन जो है 1918 में ख़त्म हुई, तो अंग्रेज़ों को जो है बड़ी दिक्कत आई उस दौर में वर्ल्ड वार वन में, तो उन्होंने फिर क्या किया कि हमारा तालाब था कोटली याकबली शाह का, एक बहुत बड़ा उसके चारों तरफ एक तालाब बना हुआ था कोट के, यानी किले शाहबाग के, तो उसके बीच में जो है उन्होंने हमसे जो है वो ज़मीन दी और हमें जो है सांगी में जो है उसके बदले में ज़मीन दी 2000 एकड़ या 3000 एकड़, वो बीच से जो है रोड निकाला जिसको जो है नेशनल हाईवे आजकल कहा जाता है। वो पुराना रास्ता जो है उस ज़माने में वो पहले जो है वो स्टेशन के साथ एक ट्यूनल बनी हुई है, वो अपना गवर्नमेंट हाई स्कूल के जो है नॉर्थ से गुजर के फिर जो है नीचे बंदर रोड से होता हुआ दरिया के किनारे से होता हुआ बैराज से गुजरता था, तो ये पुराना रास्ता यही था जो है उस ज़माने में। जी हाँ, ये जीटी रोड दरअसल मरकजी कौमी शाहरा है, जिसको दो रोज़ कबल गुजरे हुए जुलाई के महीने में 42 साल मुकम्मल हो गए। पहाड़ों के दामन को चीर कर बनाई गई सड़क के साथ ही मौजूद पहाड़ पर आज भी इस सड़क की तामीर के मुतालिक फाउंडेशन स्टोन नसब है और अपनी तारीख तामीर खुद बता रहा है। FWO की SP क्वाय इंजीनियर्स की टीम ने इस कुशादा पहाड़ को उस वक्त की जदीद मशीनरी से काट छांट कर ज़मीन तक तराश कर राह को हमवार करके एक साल की मुख्तसर मुद्दत में पब्लिक ट्रैफिक के लिए खोल दिया। तारीख दानों मुहक्किक सईद इमदाद हुसैन शाह के मुताबिक रोड़ी के इन रास्तों को किसी दौर में शाही रास्ते कहा जाता था। ये जो रास्ते हैं वो पहले उसको शाही मुल्तान रास्ता कहते थे, शाही रास्ता मुल्तान, मुल्तान रास्ता या शाही रास्ता मुल्तान, मुल्तान से जो आता था उसको शाही जो है रोड कहते थे, तो ये इसी रोड के साथ साथ चलते थे। किसी ज़माने में इस तरफ जो है जो उर्ली तरफ मेमन मलिक में इसको जो है सिम और नाला था, गंदगी होती थी, कुछ भी नहीं था जो है, और परली तरफ जो है मुकाम जो अब बना हुआ है मेमन मलिक से आगे वो भी मुकाम नहीं था, बस एक दो कब्रें थी सकी सरवर का ये मकबरा था, और उसके अलावा हम मुझे याद है कि इधर नीचे ग्राउंड भी होती थी अपना टकर मेले के नीचे, हम इधर एक दो दफा हमारे दोस्त होते थे कुरेशी के साथ फुटबॉल भी खेले, तो एक छोटा सा रास्ता था, फिर बाद में जो है ये मौजूदा जो है रोड बन गया तो ज़माना कदीम से मेखों की तरह ज़मीन में गड़े हुए इन बल खाते पहाड़ों को काट कर कौमी शाहरा का वजूद अमल में लाया गया। दौरे कदीम से मौजूद इन पहाड़ों को आज भी देखा जा सकता है। तारीख दान व मुहक्किक सईद इमदाद हुसैन शाह के मुताबिक ये पहाड़ी सिलसिला ज़माना कदीम से मौजूद और तकरीबन 40 मीलों तक फैला हुआ है, जिसको काट काट कर सड़कों और शहरों का वजूद अमल में लाया गया। ये दरमियाने कद के रेतीले पहाड़ रोड़ी में कब से और कौन से किस्म से ताल्लुक रखते हैं, ये जानते हैं स्टोरी के दूसरे पार्ट में।